आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज ये मेरे फेवरेट एंड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर के बारे में है। आज की वीडियो है विकी कौशल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सुरभि पलारिया एंड यू आर वेलकम टू 3D मीडिया। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि विकी कौशल और कटरीना कैफ अपनी शादी की न्यूज़ को लेकर हेडलाइंस में है। फिल्मी प्रपोजल से लेकर रोका सेरेमनी जो कि दिवाली में हुई थी, दोनों की हर न्यूज़ पर फैंस अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। अभी तक के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों दिसंबर में राजस्थान के रॉयल फोर्ट में शादी करने वाले हैं। वेडिंग सेलिब्रेशन 7-12 दिसंबर तक होंगे और इसके लिए होटल्स भी बुक हो चुके हैं। हाउएवर अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट कंपनीज हायर करी गई हैं एंड सारे इवेंट्स सवाई मधोपुर राजस्थान के सिक्स सेंसेस लग्जरी होटल में होंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ने दिवाली वाले दिन रोका सेरेमनी करी थी विद लिमिटेड फैमिली मेंबर्स। ये सेरेमनी डायरेक्टर कबीर खान के घर हुई थी, जिन्हें कटरीना कैफ अपना राखी ब्रदर मानती है। सो फैंस को अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। ये थी बातें विकी कौशल की पर्सनल लाइफ के बारे में और अब बात करते हैं उनकी प्रोफेशनल यानी कि एक्टिंग के बारे में। एक IT कंपनी की इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान विकी कौशल ने ये रियलाइज करा कि ऑफिस जॉब उनके लिए अनसुटेबल है। उसके बाद वो फिल्म्स में अपना करियर बनाने की तैयारी में लग गए। 2015 में विकी कौशल ने एज अ लीड रोल अपना डेब्यू करा था, लेकिन उससे पहले 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप को गैंग्स ऑफ वासीपुर में असिस्ट करा था। गैंग्स ऑफ वासीपुर में असिस्ट करने के बाद विकी कौशल ने अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन में दो फिल्म्स लव शब ते चिकन खुराना एंड बॉम्बे वेलवेट में माइनर रोल प्ले किए थे। मसान की शूटिंग के टाइम विकी काफ़ी टाइम बनारस में ही स्पेंड करते थे, जहां पर फिल्म का सेट था, और वो लोकल लोगों के मैनरिज्म को ऑब्जर्व करते थे। इस फिल्म के लिए उन्हें आईफा एंड स्क्रीन अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट मेल डेब्यू। विकी कौशल को ब्रेक थ्रू 2018 में मिला जब उन्हें एज मेन लीड देखा गया इन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव पर स्क्वायर फुट। ये इंडिया की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है। उसके बाद 2018 में ही उन्होंने राजी मूवी में बहुत ही बेहतरीन काम करा। राजी फिल्म वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म की तरह इमर्ज हुई। विकी कौशल की हर मूवी में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। उनकी कमर्शियली सक्सेसफुल रिलीज मूवी की अगर हम बात करें तो वो है संजू, जिसमें उन्होंने संजू के बेस्ट फ्रेंड कमली का कैरेक्टर पोर्ट्रे करा। अब अगर मैं बात करूँ अपनी फेवरेट मूवी ऑफ विकी कौशल तो वो है मनमर्जियां, जिसमें एक लव ट्रायंगल दिखाया गया है और जिस तरह से विकी कौशल ने अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करा है वो कमेंडेबल है। 2019 में विकी कौशल ने उरी मूवी करी, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मसल वेट गेन करा, कीटोजेनिक डाइट करी और 5 months की मिलिट्री ट्रेनिंग एंड मिक्स्ड मार्शल आर्ट सेशंस किए। एक इंटरव्यू में विकी कौशल ने बताया था कि पहले वो उरी के लिए मना करने वाले थे, लेकिन जब उनके पिता श्याम कौशल ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी अगर तुम इस स्क्रिप्ट को मना कर दोगे तो। उरी के लिए विकी कौशल को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। रिसेंटली विकी कौशल की मूवी सरदार उधम सिंह अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी, जिसकी परफॉर्मेंस के लिए विकी कौशल को काफ़ी प्रेज करा गया। इस वीडियो में मैंने आपको विकी कौशल की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया एंड उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ मूवीज एंड अचीवमेंट्स के बारे में बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और एक्टर के बारे में आपको दूँ तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू सून। गुड बाय।